सोया चाप वाली है और ये पनीर टिक्का मसाला है। सोया चाप की सब्जी अच्छी है। 10x10 मसाला पनीर टिक्का में 8 नंबर। कल पेपर है मेरे को सिलेबस तक पता नहीं है, पेपर देने का मन नहीं कर रहा था, घर वाले जबरदस्ती उठा के लाए भाई। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। आज भैया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8 बजे के करीबन, 8:30 बज चुके हैं और मेरे को भी तो जाना है स्कूल। पहले मैं जा रहा हूँ लेने मूंगफली के दाने। मौसम भाई पूरे रात से बारिश, आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी, मजे आ गए बारिश के। तो 15 रुपए के मूंगफली के दाने। हाँ गाँव चल जाऊँगा आज, उदन तो नमल रह जा। हाँ भाव ठीक है। पापा कह रहे हैं कि गाँव लेके आने, अपन एक बार ला चुके हैं भैया जाके। भाई ये लोग ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं अप्पे। ये साउथ की एक डिश है जो कोमल दीदी को बहुत अच्छे से बनाना आती है और ये बहुत अच्छी भी लगती है। अभी खाना घर पे अगर मुझे पता तो यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी पड़ी है इसकी और कुछ लोग तो कोमल दीदी से भी अच्छी बनाते हैं। पिछले साल मैं एक जगह पढ़ाने जाता था सांगोद में, वो मैम मतलब साउथ की डिशेज इतनी अच्छी बनाती थी। ये अप्पे हो गए और अभी जो साउथ के इडली सांभर वगैरह कुछ भी बना लो उनसे, साउथ की न्यू हार्ड होती थी, पर भाई परफेक्शन थी उनकी कुकिंग में यार। कुकिंग में वाकई में कोमल दीदी, वो मैम, केशव की मम्मी बेस्ट है भाई, कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब ये लोग जो बनाएंगे ना वो तगड़ी बनती है। स्कूल जाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो फटाफट पहले स्कूल जाता हूँ, फिर जो भी करूँगा बता दूंगा। स्कूल जाने के बाद में भैया मैं अब जा रहा हूँ लक्ष्मी को स्कूल छोड़ने, ताकि अपने गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना है। गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे क्योंकि यार ये सब रिजर्व लगी थी, यशु को मैं टीम लेने गया था तब तो फिर फोकट अटक जाएगा, मतलब आ रहा है जिससे डलवा लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल भरा के भैया मैं आ गया घर पे और अब मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ खाना। अभी बज चुके 11:30 और मेरे साथ यार अभी ये सीन हो गया कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ ना सुबह, वहाँ पे एक पीरियड तो लग ही रहा है। वो यूँ कह रहे हैं कि आप दूसरा पीरियड भी पढ़ाओ यहाँ पे, वो पीरियड जो चाहिए ना तो उसके बाद में वो 3 भी हो सकते हैं। और भाई वाकई में मेरे पास में टाइम नहीं है, तुम लोगों को भी पता है, पर देखते हैं क्या होता है। बाकी कल तो मेरा एग्जाम है इसी डेट का, तो आज शाम को मुकोटा भी जाएंगे। मैं खाना खा लूँ भाई, गिलकी बनाई है आज मूंगफली के दाने डाल के, काफ़ी सही लगती है। इसको ख़त्म कर लेता हूँ मैं, फिर ब्लॉग भी एडिट करना है तो जो भी होता है फिर मैं बताता हूँ। ये मेरा 8th क्लास वाला बैच है और हम आज सैटरडे है इसलिए हम क्या करें, पहले तो हाई कर दो भाई सब लोग। हाँ ये तो हमारा क्या है, आज सैटरडे होता है तो फंडे होता है। अब फंडे में हम एक ऐसा गेम खेलेंगे जिससे इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी और ये गेम स्टार्ट करेगा अनिरुद्ध। इस गेम में क्या होता है भैया कि जो सामने तुम्हें अक्षर दिख रहे हैं इनसे रिलेटेड अक्षर नहीं बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला कूलर, तो कूलर से रिलेटेड एक नाउन तो बोलना है पर वो रस तो हिंदी में से स्टार्ट नहीं होगा और इंग्लिश में RST से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये गेम स्टार्ट करेगा अनिरुद्ध और देखते हैं कौन जीतता है। दिल, ब्लड, ऐसे, मांस, धड़कन। धड़कन कैसा होएगा? हड्डी। फीमर। हाँ? फीमर, फीमर। फीमर मतलब? फीमर एक हड्डी का प्रकार है जो इसको बोला जाता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अब मैं निकल रहा हूँ कोटा के लिए, मेरा CTET का पेपर था, मैंने जस्ट पढ़ा के आया था भाई, मतलब बोलने तक की एनर्जी नहीं रहती इस टाइम तक तो कभी कभी, क्योंकि ये नया शेड्यूल है ना तो इसमें फिट इन करना अभी थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है, पर हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी हम कोटा निकल रहे हैं, रास्ते में कुछ दिखता है तो बताता हूँ। अभी हाल जस्ट आ गया, हम रुके हैं देवली में और ये अंकल के वहाँ खा रहे हैं हम पतासी, मस्त बनाते हैं अंकल पतासी भाई, 20-20 की पतासी खा लिया हमने। हम जा रहे हैं वापस। एक बात बताऊँ इन अंकल के बारे में, बंदा इतना हार्ड वर्क है ना ये पैरालाइज है, मतलब इनका एक हाथ काम नहीं करता पर फिर भी बेड को छोड़ने की देख लो भाई लगन, मतलब काम करने की, घर को चलाने की, घर को संभालने की लगन, एक हाथ से पतासी बनाते हैं। मतलब घर पे घर वालों से हेल्प हो जाती है तो मसाला वगैरह सब बन जाता है ठीक है, पर यहाँ पर ये खुद उनके ठेला चलाते हैं, एक हाथ से बनाते हैं एक हाथ से देते हैं और भाई एक हाथ काम नहीं करता इनका। बस वो आप कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी, बस आपके अंदर बिलो नहीं चाहिए। अब हम बस भी निकलते हैं भाई यहाँ से। तो मैं, मुकेश भैया और लक्की भैया आ चुके हैं भैया अर्बन पंजाबी, यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ एक बार, अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में लिंक के। साफ साफ दिखता है और इनके कांच भाई बहुत क्लियर रखते हैं। मेरा सेल्फी के लिए, यहाँ का खाना भाई बहुत सही है, मैं कह सकता हूँ ये वन ऑफ द चीपेस्ट रेस्टोरेंट है कोटा का और क्वालिटी फूड देता है, खाने का स्वाद वगैरह सब कुछ बहुत प्यारा रहता है। तो आज मैं फिर से खा के बताऊंगा मैं हम क्या क्या मंगाते हैं। हमने मंगाई है सोया चाप, एक तो मतलब सोया चाप की सब्जी होती है और पनीर
टिक्का और कॉम्प्लीमेंट्री सलाद आएगा, जैसे बूंदी रायता है, ये सारी चीजें मंगाई है। सोया चाप की सब्जी अच्छी है, मैंने पनीर खाई नहीं अभी, अभी सोया चाप टेस्ट किया, ऑयली भी नहीं है ज़्यादा, ऑयली के लिए मना कर दिया था मैंने, ऑयली के लिए मना कर दिया था, ऑयली भी नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा ऑयल दिखेगा भी नहीं, मेरा मुँह छिल रहा है मेरा, तो इसमें चर्बी लगेगी थोड़ी सी। पनीर टिक्का मसाला खाता हूँ, पनीर टिक्का मसाला खाता हूँ भाई, मतलब चीज़ें गजब ज़्यादा जला दें इन लोगों ने, बाकी सही है। पता है ये मेरा ही जला है यार, आपका भी लच्छा जला था यार, अच्छा जला हुआ था यार, नहीं नहीं मेरा थोड़ा सा ज़्यादा जला दिया इन्होंने यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, कोई नहीं चलता यार, तो जानता हूँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अगर 100 में से एक बार चीज़ें बिगड़ भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। राय थी कितनी अच्छी लगती है भाई, चाप कर रहा हूँ ठीक है, बट सोया चाप मैंने रिव्यू कर रखा भाई, जयपुर का बेस्ट है वो, आई बटन पर लिंक है, अगर फूडी हो तो जाओ देख के आओ भाई, वो जो सोया चाप है ना एक नंबर सोया चाप है। कोटा की भी सोया चाप मैंने रिव्यू कर रखी है, वहाँ की चौपाटी की जो वो मत खाना, मतलब वो चौपाटी की है नई वाली जो लैंडमार्क सिटी की चौपाटी है ना अपनी, उसकी सोया चाप है वो मत खाना, देख के आना चाहो तो देख लो, लोग कभी वायरल हुआ है मेरा अच्छा खासा, तीन लिंक है तीनों के जाके देख सकते हो तुम आई बटन पर। फिर मैंने तंदूरी रोटी मंगाई, चाप में सोच रहा हूँ चाप और होती यार खाने के लिए, चाप और होते मतलब और होती चाप दो ही थे ना खाने, दो हाँ तो वही तो अच्छे आए, और होते मतलब ज्यादा आते यूँ कह रहा हूँ। अच्छा अभी मैंने तंदूरी रोटी मंगाई है, उसके पहले तवा रोटी मंगाई थी प्लेन भाई, सूख गई थी कदे पापड़ की तरह, घुस गई थी इधर उधर मुंह में। भाई डन हो गया खाना अपना, ओवरऑल अगर रेट करूँ ना सब्जियों को तो चाप वाली सब्जी भाई 8 नंबर, उसमें चाप बेटर हो सकता था, मसाला 10/10 मसाला, पनीर टिक्का में 8 नंबर, ओवरऑल रायता तो इनका एज इट इज थिक रहता है बढ़िया, उसको 7 या 8 नंबर दे सकता हूँ मैं, लच्छा भाई 6/5 या 6 लच्छा बेटर बहुत ज़्यादा हो सकता है, जला दिया साला मेरा लच्छा, बाकी तवा रोटी तो उसको मैं रेट ही नहीं करना चाहता, गंदा बहुत गंदा, ये वाली जो रोटी थी क्या बोलते हैं तंदूरी रोटी बटर के साथ में ये तो फिर भी ठीक थी, बाकी पर तवा रोटी इन तो भाई खेल कर दिया मेरे साथ। तो भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से सिटी पार्टी वगैरह के लिए, सब देता है तो भैया यूनिट ऑफ पंजाबी ढाबा, पंजाबी ढाबा बोल रहा है सर्विंग सिंस 1984 यार ये तो हमें पता ही होगा, पंजाबी ढाबा अच्छा यूनिट ऑफ पंजाबी ढाबा वो रहा साइड में शेखावटी पंजाबी ढाबा, ये सारे एक साथ ही है भैया, ये पिक्चर ट्रांसपोर्ट नगर में मिल जाएंगे, बाकी वाकई में तो दे रहा हूँ क्या बोलते सजेशन, 690 रुपए लगे, 690 रुपए लगे भाई, अब देख लो तुम तीन जनों खाने के, मतलब चीपेस्ट है वन ऑफ द चीपेस्ट रेस्टोरेंट है कोटा का, प्रोवाइड करता है मजा आ जाता है खाना के, खाने के हम निकलते हैं बस यहाँ से, अब घर पे मिलते हैं, कल पेपर है मेरे 7:30 बजे डेट का, बस यार ये बोलते बोलते लिटरली मेरे को सिलेबस तक पता नहीं, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पेपर देने का मन नहीं कर रहा था, घर वाले जबरदस्ती उठा के लाए भाई देखे आया, मतलब एक टाइम पे मैंने कह दिया था यार सोच रहा हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, इच्छा तो थी देने की खैर, फिर सोच रहा था कि जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब कुछ तो पढ़ाई नहीं है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग है, 9:30 बजे पेपर है सी टेट का, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगे हम घर पे और हमारी स्प्राइट तैयार हो रही है, बस इतना ही था स्प्राइट पीते हुए तो मैं क्या ही बताऊंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।